हेलो दोस्तों, पोकेवेक्स इंजन में तुम सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही डाल के रखा था, चेक करना भूल गए तो मेरी गलती नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 पोकेमॉन ऑफ टीम रॉकेट। दोस्तों सही कहा, टीम रॉकेट मिला जुला के 5 पोकेमॉन हम इस लिस्ट में आने वाले हैं दोस्तों, और ये लिस्ट बहुत ही दमदार होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं, मतलब टोटल 5 पोकेमॉन्स हैं और लगभग जैसी जेम्स के दोनों इक्वली पोकेमॉन्स हैं सब में, तो बोल सकते हो यार इक्वली। और दोस्तों एक खास बात बताओ, इसमें सारे रीजन्स के पोकेमॉन इंक्लूड्स है, यानी इंडिगो, जोटो, एडवांस चैलेंज, डायमंड, पर्ल, ब्लैक एंड वाइट और एक्स एंड वाई। दोस्तों इनके सही मतलब इन सारे जनरेशन में से तो पोकेमॉन्स है ही, और एक चीज़ बोलूँ, इसमें सन एंड मून यानी हमारा अलोला रीजन के भी पोकेमॉन्स इंक्लूड है। तो दोस्तों तो अगर तुम्हें कोई क्वेरीज है, यानी दोस्तों ये लिस्ट को मैंने बनाया है, अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। गाइस गालियाँ मत देना यार, बस बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या कमी थी और किस पोकेमॉन को कौन सी जगह देनी चाहिए थी। तो दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए चलिए हमारे आज के वीडियो को टॉप 5 पोकेमॉन टीम रॉकेट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वो नंबर 5 पे जो पोकेमॉन आता है यानी जगह बनाता है वो है जेम्स का पोकेमॉन, यानी इस पोकेमॉन को जेम्स ने पकड़ा था कहाँ पे, एक्स एंड वाई के सीरीज में यानी कार्लोस रीजन में, और इस पोकेमॉन का नाम है इनके। दोस्तों इनके जेम्स का बहुत ही अच्छा दोस्त था और दोस्तों वो उसके लिए बहुत लॉयल था, और इनके एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है दोस्तों, बट एक चीज़ बुरी है कि वो इवॉल्व नहीं हुआ मैलमार में, ओके गाइस। और दोस्तों इनके के बहुत सारे अटैक्स हैं जैसे साई बीम या और बहुत सारे, और इनके बहुत ही मजाकदार पोकेमॉन है, वो कभी उन लोगों को साइकिक अटैक से बाद में उनको इंक से अटैक कर लेता था, और भाई इसके बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स और इसके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से ये हमारे लिस्ट में नंबर 5 की जगह पर होल्ड करता है। यस गाइस, दोस्तों जो पोकेमॉन अभी नंबर 4 पे अपनी पोजिशन बनाता है और वो पोकेमॉन भी हमारे जेम्स का ही है, यानी इस पोकेमॉन को भी जेम्स में पकड़ा था बट इसको कॉइन में पकड़ा था, और इस पोकेमॉन का नाम है कैकनिया। दोस्तों कैकनिया का इतना प्यार, ओ कैकनिया अभी भी वही कर रहा है जो पहले एनिमे में करता था, तो कैकनिया का बहुत सारा प्यार है जेम्स पे, और वो उसका बहुत ही लॉयल पोकेमॉन है, सबसे लॉयल बोल सकते हैं, बट इसका एंडिंग अच्छा नहीं था यार, जेम्स ने इसको रिलीज कर दिया तो वो एक एंडिंग मुझे पसंद नहीं आया, बट इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक्स है जैसे नीडल आर्म अटैक और बाकी से अटैक्स, तो इसकी लव और रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही हमारे टॉप 5 की लिस्ट में थर्ड पोजीशन पे आता है। तो दोस्तों जो पोकेमॉन नंबर 3 पोजीशन पे आता है, दोस्तों इस पोजीशन पे एक नहीं बल्कि दो दो पोकेमॉन आते हैं, अगर ये पोकेमॉन नहीं होते तो पब्लिक मुझे मारती, और वो पोकेमॉन है आर्बॉक और बीजिंग। दोस्तों ये पोकेमॉन नंबर 3 पे इसलिए है क्योंकि ये चेसी और जेम्स के स्टार्टर पोकेमॉन है, यानी आर्बॉक और कॉफिंग। तो दोस्तों इनका एंड भी बहुत ही बुरा था दोस्तों, बहुत रोने लायक था कि ये दोनों को छोड़ दिया जाता है बाकी के एकंस और कॉफिंग को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये उन दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे कैंटो रीजन जोटो रीजन में, गाइस अगर ये आगे भी रहते ना तो भाई और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन पाते, पर दोस्तों ये उनके स्टार्टर पोकेमॉन थे और ये सबसे पहले दिखाए गए थे हमें एनिमे सीरीज में, तो इसलिए ये पोकेमॉन को नंबर 3 की पोजीशन तो ये पोकेमॉन आराम से डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों जो पोकेमॉन नंबर 2 पे है वो एक्चुअली चिचका पोकेमॉन है, और दोस्तों तो तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा तो इस पोकेमॉन का नाम क्या है। दोस्तों वो है हमारा वोवाफेट। दोस्तों वोवाफेट इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि वो अब तक इन लोगों के साथ बहुत सारे रीजन घूम चुका है, यानी जोटो से ये इन लोगों के और अब भी नहीं घूमने इन लोगों के साथ ही है दोस्तों, और ये पोकेमॉन बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जैसे का,
ओके, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन दोस्तों, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है इसके दो अटैक्स जो है काउंटर और मिरर कोड दोस्तों, इसलिए तो ये नंबर टू की पोजीशन होल्ड करता है। इसने एक बार जिराटीना के अटैक को मिरर कोड से रिफ्लेक्ट कर दिया था वापस जिराटीना पे एक मूवी में जिसका नाम था द हुपा, हुपा की मूवी में दोस्तों। तो मूवी का नंबर अब मेरे को पता नहीं, बट इसके बारे में मैं क्या बोलूँ यार, ये बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है और टीम रॉकेट के वजह से, टीम रॉकेट के साथ होने की वजह से ये पोकेमॉन बहुत ही फेमस हो चुका है और हमारे इस लिस्ट में टॉप टू की पोजीशन ये आराम से होल्ड कर लेता है यार दोस्तों। तो वक्त आ ही गया आज के पूरे लिस्ट का नंबर वन पोकेमॉन डिसाइड करने को, और ये बता दूँ कि ये जो पोकेमॉन है वो एक्चुअली सन एंड मून के यहाँ से है यानी अलोला रीजन से, और वो जैसी का पोकेमॉन है तुम लोग ने डिसाइड कर ही लिया होगा वो है मिमिक्यू दोस्तों। मिमिक्यू जैसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बनता है, इसने एक बार पिकाचू को भी हरा दिया था, लगभग हरा ही दिया था। मिमिक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है दोस्तों, मिमिक्यू का सीक्रेट हमें किसी को पता नहीं चला है बट तुम YouTube पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। पर दोस्तों यार मिमिक्यू को पिकाचू बनना था बट वो बन नहीं पाया, इसलिए वो एक पिकाचू जैसा कपड़ा पहन के घूमता रहता है हर जगह पे। तो जैसी ने इस मिमिक्यू को पकड़ा था लग्जरी बॉल में इसको पकड़ा था, इसलिए तो ये सबका फेमस पोकेमॉन बन चुका है अब तक का, और दोस्तों इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर वन की पोजीशन होल्ड करता है। तो दोस्तों अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक से भर देना यार, इतना ज़्यादा भर देना कि ना दुनिया ही तबाह हो जाए यार। लाइक एम रखते हैं बहुत ज़्यादा 45 लाइक्स का, मुझे पता है तुम लोग आराम से कंप्लीट कर दोगे दोस्तों। तो तुम लोग को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बताने का है कि वो ये है कि दोस्तों मैं जो गेम प्लेस डालता हूँ वो मैं बंद करने वाला हूँ आज से, ठीक है। क्योंकि गाइस क्योंकि वो उस गेम प्लेस को कोई भाव नहीं देता यानी उनको ना ही व्यूज़ आते हैं ना ही रिस्पांस आता है मुझे अच्छा, तो मैं उन गेम प्लेस को बंद करूँगा और प्राइवेटली खेलूँगा, वरना गाइस अपन तो लाइव स्ट्रीम में खेल ही लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा टीम रॉकेट का तो गाइस लाइक ठोकना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हम 3.5K के बहुत करीब है, हमने रिसेंट में 3.4K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस पर नोटिफिकेशन भी दबाना ताकि हमारे लेटेस्ट अपलोड्स तुम लोग तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय।